आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल रघुवंशी धुले से ऑन रेडियो टॉक शो। हेलो सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। जागतिक हृदय दिन के ऊपर सारे मेरे जो पेशेंट्स रुग्ण सुनने वाले सबको यही मैसेज है, स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने हार्ट की सुने और इस शुभकामनाएं के साथ शुरू करते हैं। जी, तो सर जब बात हार्ट की हो रही है, हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन चीज हो गई आज के टाइम पर, सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? छाती में दुखना, धड़कन होना, धड़कन तेज होना, एकाएक पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरे आना, एकाएक चक्कर होके गिर जाना, बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और कभी कभी कुछ भी नहीं होते हुए भी हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हम बोलते पेनलेस, आपको समझा ही नहीं और आपको हार्ट अटैक हो गया। जैसे हम लोग कॉमन देखते हैं यंग लोगों में, यंग डेथ में। okay. तो ये बहुत जरूरी है कि छोटा से छोटा आपका सिम्टम्स निग्लेक्ट ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें, एक हार्ट की जांच कार्डियोग्राम कर लें, ताकि अपने को मालूम पड़े कि अपने को आगे चल के कुछ होने वाला है क्या। देखा जाए तो हार्ट डिसीजेस होती हैं और एक डायबिटीज भी होती है, सो इज देयर एनी लिंक बिटवीन डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस? डायबिटीज शुगर का बढ़ना होता है, और जब शुगर बढ़ेगी और जब कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो इसके वजह से पूरे शरीर में बदलाव आएंगे। आपकी छोटी छोटी धमनियों से लेकर बड़ी धमनियों में क्षार कोलेस्ट्रॉल जमेंगे, कोलेस्ट्रॉल जमेंगे तो वो धमनियों को ब्लॉक करेंगे, तो इससे हार्ट अटैक होने की, हार्ट डिसीज होने की रिस्क बढ़ती है। दूसरी बात, डायबिटीज में जब शुगर बढ़ती है तो ये बाकी जगह पे किडनी पे भी आघात करेगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भी हार्ट के ऊपर बदलाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तब भी आपके हार्ट के ऊपर बदलाव आएंगे। तो हाँ, डायबिटीज और हार्ट डिसीज ये हाथों में हाथ बना के चलते, ये दोनों के एक दूसरे के दोस्त है, वो एक दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। इतना अनकंट्रोल डायबिटीज उतना हार्ट डिसीज का प्रमाण या हार्ट अटैक होने का प्रमाण ज्यादा। सो कई तरह के मिथ भी होते हैं, सो व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट हार्ट डिसीजेस एंड इट्स मैनेजमेंट? कॉमन मिथ तो यही होती है कि कई बार पेशेंट्स को टिपिकल छाती में दिखता है, हार्ट अटैक जैसा लगता है, लेकिन वो निग्लेक्ट करता है कि नहीं ये तो गैसेस है। Okay, ये पहला मीट बहुत हमने कॉमन देखा है कि कई लोगों को हार्ट अटैक होने का, कई घंटे तक उनके समझ में नहीं आता है कि ये हार्ट अटैक है, ये गैस है या अलग है या मेरे को कैसे हो सकता है, ये पहली मीट है। किसी भी एज में आपको तकलीफ हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। अगर आप पोटेंशियली रिस्क हो, वजन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, आपके फैमिली में है, तो आपको ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड मीट है कि ये बहुत कॉस्टली बीमारी होती है, वैसा नहीं है, कई योजनाएं हैं जिसके थ्रू भी है ट्रीटमेंट हो सकता है, कम से कम पैसे में भी हो सकता है। तीसरा मीट ये है कि अब मैंने दवाई ले ली, अब मेरा बीपी ठीक है, अब मेरे को दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक द मेडिसिन मे बी लाइफ लॉन्ग, सो हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है सारी दवाई आपको जिंदगी में लेना पड़े। तो ये सारी चीजों को, मिथ को निकाले, फैक्ट्स को देखे और अपने हार्ट को बचाए। सर अगर हम बात करें बीपी की, बिकॉज कई लोगों में होता है हाई बीपी, लो बीपी, सो व्हाट्स योर डाइट एडवाइस फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाई एंड लो बीपी? कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में अपने को जो देना है सबसे इम्पोर्टेंट है नमक। हमारे खाने में नमक की मात्रा कम हो, 5 से 7.5 ग्राम नमक एक दिन में एक आदमी के लिए सफिशियंट है। हम हर चीज में नमक डालते हैं, हर चीज को नमक के साथ खाते हैं, हम फ्रूट खाते तो नमक डालते हैं, हम चावल खाते हैं तो नमक डालते हैं, हम रोटी पकाते हैं तो नमक डालते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं नमक का प्रमाण कम करना चाहिए पहला। सेकंड, हमारा वेट कंट्रोल रखना चाहिए। थर्ड, हमारी एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। फोर्थ, डाइट की सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका खाना रेगुलर हो, समय पे हो और टाइम पे जो है क्वांटिटी वाइज भी उतना ही हो। बहुत एक्सेस खाना या बहुत कम खाना दोनों चीजें हानिकारक है। ऑयल, तेल, फ्राइड, बाहर की तली वाली चीजें, खुली वाली चीजें, ये हम ना खाएं। बोलते हैं ना कि पॉकेट फुला और पेट फुला, हम बाहर की खाएंगे तो तकलीफ होगी। हमारे शरीर को संभालना है तो घर की चीजें खाइए, उबली वाली चीजें खाए, फ्राइड चीजें ना खाए, ये मेरा एडवाइस है। जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे? ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे मैं ऑल लिसनर्स यही बोलूंगा, सर्वे स्किन संतु, सबको खुश रखो, सबको अच्छा स्वस्थ रखो, अपने दिल की बात सुने। इम्पोर्टेंट है कि दिल को मत निग्लेक्ट करें, हर बार हम दिमाग से सोचते हैं दिल को भूल जाते हैं, तो अपने दिल की भी बात कभी तो सुने। अगर तकलीफ है तो अपने डॉक्टर को दिखाए, सही इलाज कराए, सही ट्रीटमेंट ले, सही समय पे खाए, सही समय पे सोए, कम नमक खाए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, नींद अगर आपकी सही है, आपका खाना सही है, आपका एक्सरसाइज सही है, तो आपका हार्ट भी सही और अच्छा, तंदुरुस्त और अच्छा रहे। खूब जिए, खूब
स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.